कुम नाम आपको खुरुम जारी अनौबा चाहिना लगपाड़ा कुम नाम आक्यो यही फा पाओ जेल पिजारी मंच पर विराजमान मणिपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान एन बीरेन सिंह जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान यमुनाम जॉय कुमार सिंह जी, विधानसभा के स्पीकर श्रीमान वाई खेमचंद जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और बड़ी संख्या में यहां पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ा संयोग है कि पिछले साल जनवरी के प्रारंभ में मैं साइंस कांग्रेस के लिए आपके बीच आया था और कल भी मैं पंजाब में साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करके आज यहां आ रहा हूं। आप सभी के बीच आना हमेशा एक बहुत सुखद अनुभव होता है। ये देश का वो हिस्सा है जहां विविधता और एकता हर कोने में, हर क्षेत्र में आप महसूस करते हैं। यहां की महिलाओं ने आजादी के आंदोलन को धार भी दी, दिशा भी दी थी। मैं आज मणिपुर की बहनों स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले मणिपुर के हर सेनानी को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, यहां के मोइरांग में अविभाजित भारत की पहली अंतरिम सरकार, उसका गठन हुआ था। पूर्वोत्तर के हमारे साथियों ने तब आजाद हिंद फौज को भरपूर सहयोग दिया। एक कहावत उस समय बहुत ही प्रचलित थी, नॉन पोक थॉन्ग हंगानी, यानी स्वतंत्रता का रास्ता पूरब के द्वार से ही खुलेगा। आजाद हिंद फौज ने ये द्वार एक बार खोल दिया, फिर दुश्मन इसको कभी भी बंद नहीं कर पाया। साथियों, जिस मणिपुर को, जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की आजादी का गेटवे बनाया था, उसको अब न्यू इंडिया की विकास गाथा का द्वार बनाने में हम जुटे हुए हैं। जहां से देश को आजादी की रोशनी दिखी थी, वहीं से नए भारत की सशक्त तस्वीर आप सभी की आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथियों, इसी सोच के तहत अभी कुछ देर पहले यहां करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की दर्जन भर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और इसके लिए मैं मणिपुर के हर भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये परियोजनाएं आपके जीवन को आसान करने वाली है।
इनसे आपके बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई और किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मजबूत होगी। साथियों, आप सभी साक्षी रहे हैं कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के साथ बीते दशकों में पहले की सरकारों ने क्या किया था। उनके रवैये ने दिल्ली को आपसे और दूर कर दिया था। पहली बार अटल जी की सरकार के समय देश के इस अहम क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने की पहल हुई थी। आज उनकी उसी पहल को केंद्र सरकार मजबूती से आगे बढ़ा रही है। हम दिल्ली को आपके दरवाजे तक ले आए हैं। अब पहले की तरह केंद्र के मंत्री और अफसर सिर्फ फीता काटकर उसी दिन दिल्ली लौट नहीं जाते हैं। वो आते हैं तो यहां रुकते हैं, आपके बीच रहकर आपको सुनते हैं, आपके सुझाव सुनते हैं, आपकी कठिनाइयां समझते हैं। मैं खुद बीते 4.5 साल में करीब 30 बार नॉर्थ ईस्ट आ चुका हूं, आपसे मिलता हूं, बातें करता हूं, तो एक अलग ही सुख मिलता है, अनुभव मिलता है। मुझे से अफसर से रिपोर्ट नहीं मांगनी पड़ती, सीधे आप लोगों से मिलती है। ये फर्क है पहले की सरकार में और आज बनी हुई सरकार। ऐसे निरंतर प्रयासों की वजह से अलगाव को हमने लगाव में बदल दिया है। आज इन्हीं कोशिशों की वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। 30-30, 40-40 साल से अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं। आपके जीवन को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं मणिपुर से ही एक उदाहरण दूं, तो यहां के एक गांव का नाम भारत की विकास यात्रा में अहम पड़ाव बना है, उसे अहम पहचान मिली है। साथियों, देश के जिन 18,000 गांवों को रिकॉर्ड समय में अंधेरे से मुक्ति मिली, उनमें सबसे आखिरी गांव कांगपोकपी इस जिले का लेशांग है। लेशांग जब भी भारत के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के अभियान की बात आएगी, तो लेशांग और मणिपुर का नाम भी जरूर लिया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज मणिपुर को 125 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी उपहार मिला है। ये सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं है, दर्जनों सुविधाओं का केंद्र भी है। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित ये चेक पोस्ट यात्री और व्यापार की सुविधा देगा। इसके साथ ही कस्टम क्लियरेंस, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज, इमिग्रेशन क्लियरेंस, एटीएम, रेस्ट रूम जैसी सेवाएं भी यहां मिलेगी। यहां पर देश के सम्मान और प्रथम आजाद भूभाग के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज, उसका स्मारक भी बनाया जा रहा है। साथियों,
आज जितने भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण यहां किया गया है वो विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता तो दिखती ही है। पहले की सरकारों के कामकाज के तौर तरीकों को भी वो आपके सामने उजागर कर देती है। भाइयों और बहनों, दोलाई थाबिब राज की फाइल 1987 में चली थी, आप याद रखिए इन चीजों को। 1987 में एक फाइल चलती है, निर्माण का काम 1992 में 19 करोड़ की लागत से शुरू हुआ, उसके बाद मामला अटक गया। 2004 में इसको स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा बनाया गया, लेकिन 10 साल तक फिर लटक गया। 2014 में जब हम आए तो देश भर के करीब 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, तब जाकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और 19 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए के खर्च करने के बाद अब बनकर के तैयार है। अगर उस समय हुआ होता तो 19-20 करोड़ में हो जाता, लेकिन उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस, उसी का परिणाम है कि 19-20 करोड़ का प्रोजेक्ट 500 करोड़ पर पहुंच गया। ये पैसा हिंदुस्तान के नागरिक का है, ये पैसा आपका है, उन्होंने बर्बाद होने दिया है। साथियों, अगर ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाता, यहां के हजारों किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। इसी तरह यहां के युवाओं को रोजगार देने वाला थंगल सुरुगई को टूरिज्म कॉम्प्लेक्स भी साल 2011 में शुरू हुआ था। उसके काम को हमारी राज्य सरकार ने गति दी और आज ये आपकी सेवा के लिए तैयार है। तपुल के इंटीग्रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही थी। साल 2009 में इस पर काम शुरू हुआ था, हमारी सरकार ने इस पर काम तेज किया और आज मणिपुर के टूरिज्म को नया विस्तार देने वाली ये सुविधा आपको समर्पित है। साथियों, किसान हो या फिर नौजवान, हर वर्ग को पिछली सरकारों की अटकाने भटकाने लटकाने के कल्चर से भारी नुकसान हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे भारत में विकास कार्यों को हमारी सरकार सिस्टम में सुस्ती और लापरवाही के पुराने आदतों को बदलने का ईमानदार प्रयास कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो यहां पर योजनाओं में इतनी तेजी आई है, आप जरूर सोचते होंगे। आप लोग तेजी से होते काम तो देख रहे हैं,
लेकिन मैं आज आपको भी और देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, ये कैसे हो रहा है, पहले नहीं होता था अब कैसे हो रहा है। लोग वही, अफसर वही, दफ्तर वही, फाइल वही, लोगों की जरूरत भी है, होता क्यों नहीं भाई, हमने क्या रास्ता खोजा। साथियों 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने आई थी, ये दशकों से अधूरे अटके लटके भटके इन प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था। पहले की सरकार की जो अप्रोच रही उसकी वजह से इतनी धीमी गति से काम होता था, उनको तो यही था कहीं पत्थर लगा दो चुनाव जीत जाओ, कहीं फीता काट दो चुनाव जीत जाओ, कहीं प्रेस नोट दे दो चुनाव जीत जाओ, यही खेल चलता रहा। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, होता था कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 200 250 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा होता था। आखिर पैसे की ये बर्बादी, संसाधनों की ये बर्बादी में उसको मैं कैसे सह सकता था, मैं देख नहीं सकता था, मुझे परेशानी होती थी। देश का पाई पाई बर्बाद हो रहा है, ये मुझे बेचैन बना देता था। मैं ये भी तो देख रहा था कि अगर वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया, अगर ये काम हुआ होता तो वहां के लोगों को कितना लाभ होता। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यवस्था डेवलप की, एक सिस्टम डेवलप किया, टेक्नोलॉजी का उसमें भरपूर उपयोग किया और इसका मैंने नाम रखा प्रगति। प्रगति की बैठक में मैं केंद्र सरकार के अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ता हूं, एक एक परियोजना पर खुद सवाल जवाब करता हूं, कहां क्या दिक्कत है ये समझने की कोशिश करता हूं, फिर उसे हम सब मिलकर के आपस में बैठ करके वीडियो कैमरा के सामने ही उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं अफसरों को प्रोत्साहित भी करता हूं, उन्हें समझाता भी हूं, उनको पूरा सहयोग रहेगा इसका विश्वास भी ले दिलाता हूं। साथियों ऐसे ही लगातार बैठकों का दौर चलता है, दर्जनों बैठकों में अब तक 12 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर हमने चर्चा की और 12 लाख करोड़ रुपए की ये योजनाएं जो गड्ढे में पड़ी थी, फाइलों में दबी पड़ी थी, उस पत्थर भी खो गए थे, उसको निकाल निकाल करके आज उसको लागू करके चालू करने की दिशा में काम कर रहा है। इस वजह से देश में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो दशकों से अटके हुए थे उनमें तेजी आई है। ये नई कार्य संस्कृति है जो हमने सरकार में विकसित करने का प्रयास किया है, साइलोस को खत्म करने का अभियान चलाया है, हर डिपार्टमेंट हर अफसर मिलजुल करके एक टीम बनकर के काम करें, केंद्र और राज्य मिलकर के काम करें, राज्य की मुसीबतें केंद्र समझे, केंद्र की आवश्यकता राज्य समझे, ऐसा एक उत्तम प्रकार का फेडरलिज्म का कल्चर हमने विकसित किया है। साथियों हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का जी जान से परिश्रम करके, मेहनत करके उसको सिद्ध करके रहते हैं। हमें एहसास है कि योजनाओं में देरी से सबसे ज्यादा नुकसान देश की भावी पीढ़ी को होता है, जिनके सपने हैं उनको होता है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है उसको होता है,
जो मुसीबत की जिंदगी जो रहा है, ऐसे गरीब को और मुसीबतें झेलनी पड़ती है, सामान्य मानवी का नुकसान होता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मणिपुर की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवामबुंग के एफसीआई गोडाउन का लोकार्पण आज किया गया। दिसंबर 2016 में इस पर काम शुरू हुआ और हमने इस काम को पूरा करके दिखाया और आज लोकार्पण कर दिया। समय पर पूरा होने से हम ज्यादा खर्च से भी बचे और मणिपुर की जरूरत का अनाज स्टोर करने के लिए 10,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त व्यवस्था का निर्माण भी हो गया। मणिपुर में स्टोरेज कैपेसिटी को दोगुना करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वो भी जल्द ही पूरे होने वाले हैं। इसी तरह उखरुल और उसके आसपास के हजारों परिवार की पानी की जरूरत को देखते हुए बफर वाटर रिजर्वायर पर काम नवंबर 2015 में शुरू हुआ। ये तैयार भी हो गया है और आज इसका लोकार्पण भी किया गया। ये प्रोजेक्ट 2035 तक की जरूरतों को पूरा करने वाला है। चूरा चांदपुर Zone 3 प्रोजेक्ट पर भी 2014 में काम शुरू हुआ और 4 वर्ष बाद आज उसका भी लोकार्पण हो गया। इससे 2030-31 तक यहां की करीब 1 लाख आबादी की पानी की जरूरतें पूरी होगी। लंबोई में स्कूल के बच्चों और उसके आसपास के हजारों परिवारों की प्यास बुझाने वाली ये योजना पर 2015 में काम शुरू हुआ और 3 वर्ष बाद आज इसका भी लोकार्पण किया गया है। भाइयों और बहनों, सरकार के संस्कार में क्या अंतर होता है, उसकी ये छोटी सी झलक एक वानगी भर आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमारी सरकार तय समय सीमा से भी पहले पूरा कर रही है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही है। आने वाले कुछ समय में यहां पर खबामलाम खाई से हन्ना चांग हेगांग के बीच रोड प्रोजेक्ट, इम्फाल में इंफेक्शियस डिजीज सेंटर, नए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी काम शुरू होगा। साथियों, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर मणिपुर में बीरेन सिंह जी की सरकार, हमारा विजन है सबका साथ सबका विकास। विकास से कोई भी जन, कोई भी क्षेत्र ना छूटे, इस पर जोर दिया जा रहा है। गो टू हिल्स और गो टू विलेज जैसे प्रोग्राम के तहत यहां की राज्य सरकार दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है। जन भागीदारों को सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाने के प्रयास सराहनीय है। यही कारण है कि आज मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के दौर से बाहर निकलकर आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। यह दृश्य इसका साक्षी है, यह दिखाता है। साथियों, विकास के लिए शांति और बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत तो होती ही है, कनेक्टिविटी भी उतनी ही आवश्यक है और इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन
बाय ट्रांसपोर्टेशन, इस विजन पर काम कर रहे हैं। बीते 4.5 वर्षों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में करीब 2,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जोड़े जा चुके हैं। मणिपुर में भी साल 2014 के बाद 300 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे जोड़े गए हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर करीब 2000 करोड़ रुपए के पुलों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेलवे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। करीब 50,000 करोड़ रुपए से 15 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है। मणिपुर में भी जरीबाम से टुकुल इम्फाल के बीच नई रेल लाइन बिछ रही है। देश के इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल जरीबाम इम्फाल रेल ब्रिज भी नॉर्थ ईस्ट के विकास का बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। साथियों, हाईवे और रेलवे के साथ ही यहाँ की एयर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है। इम्फाल को जिरीबाम, तामेंगलांग और मोरे जैसे सुदूर इलाकों से हेलीकॉप्टर सर्विस से जोड़ा जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं जो इम्फाल एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में यहां पर एयर कार्गो टर्मिनल भी शुरू होगा। मणिपुर में हाईवे, रेलवे, एयरवे के साथ ही हाईवे बनाए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन वे, जल्द ही मणिपुर की सभी पंचायत और जिले डिजिटल ब्रॉडबैंड हाईवे से जुड़ जाएंगे, जिससे सामाजिक योजनाओं का लाभ सीधा लोगों को पहुंचेगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ की बिजली व्यवस्था को भी सशक्त किया जा रहा है। आज ही 400 केवी की सिलचर इम्फाल लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी ये लाइन पावर कट की समस्या को तो दूर करेगी। साथियों, मणिपुर हर पैमाने पर आज विकास के रास्ते पर चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में भी मणिपुर ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। चंदेल जिला जो देश के 100 से अधिक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहां भी तमाम पैरामीटर्स में बहुत अधिक सुधार देखा गया है। भाइयों और बहनों, मणिपुर के युवा साथियों को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए देश के दूसरे हिस्सों में ना जाना पड़े, इसके लिए भी अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। आज शिक्षा, स्किल और स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। धन मंजूरी विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट हो, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये सभी युवा साथियों को सुविधा देने वाले हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण में भी मणिपुर आगे रहा है। मणिपुर की बहनों के आर्थिक सामर्थ्य को और मजबूत करने के लिए जल्द ही हमारी सरकार 3 नए एमा मार्केट का भी कार्य शुरू करेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा करीब 5 लाख बहनों के जनधन खाते बैंकों में खुलवाए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 1.25 लाख लोन यहां के युवाओं को मिले हैं, उनमें से आधी संख्या महिला उद्यमियों की है। वहीं यहां के करीब 1 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन भी
दिया गया है। साथियों, यूथ आइकन और देश में महिला शक्ति की एक बड़ी मिसाल मैरी कॉम की जन्मभूमि और कर्मभूमि स्पोर्ट्स की संभावनाओं से भरी हुई है। नॉर्थ ईस्ट का भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बीते 3-4 वर्षों में जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए हैं उसमें देश ने नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों के दम पर उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। हम नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को मणिपुर का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विस्तार दे रहा है। आज भी जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उनमें हॉकी स्टेडियम में फ्लड लाइट और फुटबॉल स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ लगाने की योजना है। हमारा प्रयास है कि देश के छोटे से छोटे इलाके में स्पोर्ट्स की बेहतरीन सुविधाएं दी जाएं। इसके साथ ही हम ट्रेनिंग और चयन में पारदर्शी व्यवस्था का भी निर्माण कर रहे हैं। इसी का परिणाम कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाई खेलों में, पैरा एशियाई खेलों में, यूथ ओलंपिक में और दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम देख रहे हैं देश गौरव कर रहा है। भाइयों और बहनों, करप्शन चाहे स्पोर्ट्स में हो या फिर सरकार की दूसरी योजनाओं में, देश इन्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमारी सरकार उन लोगों को भी कानून के कटघरे में तक ले आई है जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आप भी देख रहे हैं जिन्होंने देश से धोखा किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया था, ऐसे लोगों को आज अदालत का सामना करना पड़ रहा है। देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से अपनों का भला करने वालों को उनकी सही जगह पर ही हम दम लेंगे। आपको ये विश्वास दिलाने में यहां आया हूं, विकास से युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नए भारत के संकल्प के लिए आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। एक बार फिर मैं आप सबको आज की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की बधाई देता हूं। पुमना माकपो अमुक्काहन्ना खुरुमजारी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।